हादसा। दूसरों के साथ हो तो बस खबर है, अपने साथ हो तो दुर्घटना। देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। अभी आपको दिखाएंगे हैरतअंगेज स्टंट। दिल्ली से गाजियाबाद की ये तस्वीर है, जहां पर पुल पर खड़े ये नाबालिग लड़के किस तरह से अपनी जान से खिलवाड़ करते। इन तस्वीरों में आप देखिए, ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। पुल पर एक लाइन में नाबालिग लड़के खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं कि पटरी पर किस वक्त ट्रेन आएगी, और जैसे ही ट्रेन आती है तेजी से पुल से छलांग लगाकर नीचे पानी में कूद जाते हैं। यह हैरत अंगेज तस्वीर है, जब ट्रेन तेजी से आ रही है किस तरीके से एक एक कर पानी में कूद रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाबालिग लड़के आए दिन इस तरह की हरकतें करते हैं और कोई भी इन्हें रोकने वाला नहीं है। ये गाजियाबाद की तस्वीरें हैं, पुल पर खड़े तमाम लड़के। ट्रेन की रफ्तार का भी अंदाजा लगाइए, कितनी तेज है ये ट्रेन की रफ्तार, और उसका भी किसी डर नहीं। और जैसे ही ट्रेन आती है ये लड़के तुरंत पानी में छलांग लगा देते हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ मौजूद है। आनंद तिवारी, लोगों से बात की गई, लोगों ने कहा कि कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है और ये लड़के आए दिन इस तरह की हरकतें करते हैं। जी देखिए, बिल्कुल नवजोत, ये वहीं के एक स्थानीय निवासी, उन्होंने वीडियो बनाया है और उसको वायरल किया है। और लोगों का कहना है कि आए दिन ये जो बच्चे हैं ये इस तरह का स्टंट करते हैं अपनी जान जोखिम में डाल के। और आप देख सकते हैं कितनी नजदीक से काफी तेज रफ्तार में जो ट्रेन है वो गाजियाबाद हापुड़ जो रेलवे ट्रैक है उससे गुजर रही है, और तुरंत ये बच्चे छलांग लगा रहे हैं। करीबन 7 बच्चे हैं जिन्होंने छलांग लगाई है। जो SSP हैं गाजियाबाद के, उनके नॉलेज में पूरी जानकारी है, लेकिन उनका कहना है कि चूंकि ये मामला RPF का आता है तो RPF ही सारे रेलवे ट्रैक की निगरानी करता है और जो लॉ ऑर्डर है वो RPF संभालता है, तो उनको इस बात की तस्दीक करना चाहिए, इस बात की जानकारी रखना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए या इस तरह की स्टंटबाजी को रोका जाए। लेकिन हमारी RPF के अधिकारियों से बात हुई थी, ना ही उनको इस वीडियो के बारे में अब तक कोई जानकारी मिली है, ना ही ऐसी कोई जानकारी मिली कि इस तरह की कोई स्टंट वहां पे हो रहे हैं। तो बहुत बड़ी लापरवाही है कहीं ना कहीं, और किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है इस तरह से, जिस तरह से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इस तरह का स्टंट कर रहे हैं। क्या उम्र है इन बच्चों की? ये करीबन 15 से 17 साल के बच्चे हैं अब जो सारे, और आप देख सकते हैं सारे बच्चे कितनी इन्होंने बिल्कुल अपनी जान जोखिम में डाल के ये इतनी ऊंचाई से कूदे हैं पानी के अंदर उस नहर में। ये मसूरी के पास की जगह है जहाँ पे ये वीडियो बनाया गया है, और आसपास के लोग कहना है कि आए दिन इस तरह की बच्चे जो है इस तरह का स्टंट करते हैं जान जोखिम डाल के, ना ही इनके परिवार वाले इन्हें रोकते हैं, ना ही प्रशासन को कोई सुध है, RPF के जितने भी अमला वहाँ पे होता है। आपने इनके परिवार से बात की? क्या परिवार से बात की आपने? जी देखिए, इन बच्चों के बारे में पता नहीं चल पाया कि बच्चे कौन हैं, इसलिए पुलिस भी ये जानकारी नहीं पता कर पा रही है। और ये वीडियो बनाने वाला शख्स कौन है ये भी सामने नहीं आया है। इसने वीडियो वायरल किया है, और उसके बाद जब SS गाजियाबाद पुलिस को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने पता करवाया, तो पता चला कि ये जो जगह है ये मसूरी के पास की जगह है, वहाँ का एक गाँव है। वहाँ पे जब ये गाजियाबाद से हापुड़ के भी जो ट्रेन जाती है उसी ट्रेन के का इंतजार ये बच्चे करते हैं, और उसके बाद ये पानी के अंदर छलांग लगाते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कोई रोकने वाला नहीं, RPF से बात की गई तो RPF ने कहा कि उन्हें अभी तक इस वीडियो के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। परिवार वालों से बात की गई, लड़के अभी 16-17 साल के हैं जो कि यहां पर अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह के स्टंट करते हैं।